क्या आप भी अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का पार्टीशन बनाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप भी अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में हार्ड ड्राइव का पार्टीशन बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। मैंने अपने लैपटॉप में पहले से ही हार्ड डिस्क के कुछ पार्टीशन बना कर रखे हैं, तो वही आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन यदि आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पार्टीशन नहीं है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ सी ड्राइव ही दिखाई देगी। तो हार्ड डिस्क का पार्टीशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है। फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाने के बाद आपको दिस पीसी वाले ऑप्शन पर राइट क्लिक करके मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कंप्यूटर मैनेजमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको डिस्क मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने उन सभी ड्राइव्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं। अब इनमें से जिस भी ड्राइव का पार्टीशन आप बनाना चाहते हो, उसे सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको चार ऑप्शंस दिखाई देंगे और इन ऑप्शंस में जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं, वो सभी मेगाबाइट्स की यूनिट्स में हैं। तो इनमें से सबसे पहला ऑप्शन आपको यह बताता है कि आपके हार्ड डिस्क का टोटल साइज कितना है, और दूसरा ऑप्शन आपके हार्ड ड्राइव में कितना स्पेस खाली है उसका साइज बताता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपको पार्टीशनड डिस्क का साइज बताता है, और पार्टीशन क्रिएट होने के बाद आपके एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क का साइज कितना होगा, ये आपको चौथा ऑप्शन बताता है। तो जितने भी साइज का पार्टीशन आप क्रिएट करना चाहते हो, उसकी वैल्यू आपको थर्ड ऑप्शन में एंटर करना है। ये ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर वैल्यू MB की यूनिट में डालना है। उदाहरण के लिए मुझे लगभग 11 GB का पार्टीशन बनाना है, तो मैं यहाँ पर 11,000 MB डाल देता हूँ। अब वैल्यू एंटर करने के बाद आपको श्रिंक बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे, तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन में एक अनएलोकेटेड नाम का बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको एक ब्लैक बार दिखाई देगा। अब आपको इस बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करना है और फिर न्यू सैंपल वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने न्यू सैंपल वॉल्यूम विजार्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर दोबारा से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपने न्यू ड्राइव के लिए एक लेटर सेलेक्ट करना है, तो आप कोई सा भी लेटर सेलेक्ट कर सकते हो। तो उदाहरण के लिए मैं R सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेटर सेलेक्ट कर लेने के बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यदि आप अपने डिस्क पार्टीशन का नाम चेंज करना चाहते हो, तो न्यू वॉल्यूम की जगह पर आप कोई दूसरा नाम भी डाल सकते हो, नहीं तो आप सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको फिनिश बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप फिनिश बटन पर क्लिक करोगे, तो उसके बाद आपके हार्ड डिस्क का नया पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हो। और आप इसे फाइल एक्सप्लोरर ओपन करके उसमें दिस पीसी वाले ऑप्शन पर जाकर भी देख सकते हो। देखिए दोस्तों, हमने जो R नाम का डिस्क पार्टीशन बनाया है, वो यहाँ पर भी शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में हार्ड डिस्क पार्टीशन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल से रिलेटेड इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। इससे आप आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।